ये चांदनी चौक की ऐसी मार्केट है जहां पर आपको दिवाली का सारा सामान सजावट का मिलने वाला है। अगर आपको परचेस करना हो तो इस मार्केट के अंदर आप लोग आ सकते हो। यहाँ पे भाई सजावट का बहुत सारा सामान मिल जाता है, देख लो आप लोग। अगर आपको ऐसा सामान चाहिए होगा ना डेकोरेशन का दिवाली, तो ये सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। और दिखा देता हूँ कैसी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती है, रेट वगैरह बताता हूँ आप लोगों को पता करके, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ वगैरह लेनी होगी ना, ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो, लड़ाई वड़ाई मत करो यार भाई। ऐसे देखो पानी से जलता हुआ दिया मिलने वाला है आपको 50 रुपये में डब्बा 6 पीस का, ठीक है। तो ऐसे भाई के पास आ सकते हो, हमारे छोटे भाई ने लगा रखी है, और इनसे आगे आप लोग ऐसी चीज़ें बढ़िया बढ़िया परचेज कर सकते हो, लेके यूज़ कर सकते हो, ज़िंदगी एकदम सफल हो जाएगी, है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपका भाई आप लोगों को लेके आ चुका है चांदनी चौक की भाई दिवाली डेकोरेशन की मार्केट में। यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है काफ़ी अच्छे बढ़िया प्राइजेस में भाई। दिवाली के अंदर जो डेकोरेशन का सामान होता है ना घरों में यूज़ करने के लिए, वो सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर आना हो तो लाल किला मेट्रो जो कि वॉलेट लाइन मेट्रो आती है उसके थ्रू यहाँ पे आ सकते हो। मेट्रो गेट नंबर आपको 1 से एग्जिट करना है। एग्जिट करते आप लोगों को पीछे मेरा लाल किला दिख रहा होगा, थोड़ा सा आगे की साइड में होगा ना, ये पीछे आप लोगों को गली दिख जाएगी। इस वाली गली के अंदर आप लोग भीड़ भाड़ देख सकते हो, कुछ अच्छी खासी लगी होती है। तो अंदर की साइड में चलेंगे, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को, प्राइस वगैरह पता करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे प्राइसेस में कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलने वाली है। अगर बाकी मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो होती है भाई सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक लगी रहती है। अभी तो 7 डेज ओपन रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कभी भी इस मार्केट में आ सकते हो। तो चलते हैं, जो कुछ मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वीडियो में, एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल किले से थोड़ा सा आगे की साइड में होगा ना एक गली होती है, अंदर की साइड में आप लोगों को लेकर चलने वाला हूँ गली में, और दिखाता हूँ कैसा सामान हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये भीड़ भाड़ जो ज़्यादा दिख रही है ना भाई, अभी तो त्यौहार हो, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको ये सारा का सारा सामान मिल जाता है। उस्ताद जी कितने का होता है ये? 100 रुपये का एक है, 100 रुपये का पीस बता रहे भैया हमारे, इस तरीके का मिलेगा। बाकी अगर आपको लेना हो तो ये वाला 80 का है, ये वाला 80 का है, ठीक है। 120 का जोड़ा है, दो पीस आएंगे इसके अंदर 120 के। यार बड़ा महंगा दे रहे हो उस्ताद जी यार, 100 का 5 पीस है भैया। ऐसा क्यों कर रखा तुमने, इतनी महंगाई बढ़ा दी आज तो तुमने। आगे से महंगा है तो हम क्या करेंगे। अच्छा जी, आगे से महंगा है तो हम पीछे से क्या कर लेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, मुझे महंगा लग रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा भाई, 17,000 में इससे सस्ता मिल जाता है। फिर भी यहाँ पे पता कर लेते हैं भाई कितने का है। 100 के 4 है, 100 रुपये में 4 आपको मिलेंगे, 25 रुपये का एक, ठीक है। और क्या मिल रहा है यहाँ पे भाई, सजावट का बहुत सारा सामान मिल जाता है, देख लो आप लोग। अगर आपको ऐसा सामान चाहिए होगा ना डेकोरेशन का दिवाली, तो ये सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पे आ सकते हो। और एक भाई हमारे आवाज मार रहे हैं, इस तरीके से देख सकते हो आप लोग। कितने का दे रहा भाई? 600 में 10 है ये, 600 रुपये का 10 है भाई, 60 रुपये का एक आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे भाई बहुत सारा सामान आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये कितने का छोटे भाई? 300 में 10 है ये भाई, 300 रुपये में 10, ये 100 रुपये का है, ये 100 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भाई बहुत सारा, अच्छा 100 कह रहा है, ज़्यादा लोगे तो 80 रुपये का दे देंगे। तो ऐसे भाई चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, अगर आपको परचेस करनी हो तो आ सकते हो। चांदनी चौक की मार्केट है ये, लाजपतराय मार्केट कह सकते हो आप लोग इसको, और भीड़ भाड़ इसी तरीके से मार्केट के अंदर लगी हुई होती है। दिवाली डेकोरेशन का जितना भी सामान चाहिए होगा सब कुछ इस मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, घर में सजावट करने के लिए। बाकी मैं आपको और दिखा देता हूँ कैसी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती है, रेट वगैरह बताता हूँ आप लोगों को पता करके, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ वगैरह लेनी होगी ना, ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया। भैया कितने की होती है? 100 रुपये की है बड़े भाई, ये भाई आपको 100 रुपये में मिल जाएगी यहाँ पे। और ये भी 100 रुपये के भैया, कोई सी भी इसमें, ये भाई आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से मूर्ति मिल जाएंगी, जो सजावट का सामान होता है ना वो सारा। ये दरवाजे पे लगाने के लिए होता है, गेट पे कितने का दोस्त? ये 200 का है, काफ़ी भाई ये हैवी है तो अच्छा खासा है, ये 200 रुपये में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा सामान चाहिए हो तो हमारे भाई की दुकान पे आ जाना, आपको यहाँ पे इनसे आके ले सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी और चैनल अनीस लक्की व्लॉग्स सर्च कर लेना। तो बाकी इस तरह का सामान आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पे आ सकते हो, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देख लो आप लोग सजावट का सामान बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है भाई। ये कितने का ये बताओ, इसके रेट? 150 रुपये का जोड़ा है ये, सही है, 120 का जोड़ा। अच्छा भाई कह रहा हमारी ऑडियंस के लिए 120 का जोड़ा है, तो भाई कर लेना थोड़ी बहुत बार्गेनिंग वगैरह अगर करते हो तो, ठीक है। इस तरह का सामान आपको काफ़ी अच्छा खासा इस मार्केट के अंदर मिल जाता है। महंगा लग रहा है भाई इस बार तो, हमें भी महंगा लग रहा है देखने में, खैर कोई नहीं, फिर भी आगे पता करते हैं। अभी दिवाली आ रही है तो भाई दिवाली के टाइम पर काफ़ी कर रखा है इन्होंने, हिसाब किताब महंगा था, ठीक है। ये देखो सारी की सारी चीज़ें चिपकाने वाली लगाने वाली, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। और दरवाजे पे गेट वेट पे लगाने के लिए सारा का सारा सामान आपको मिलने वाला है। बड़े भाई कितने का ये, कितने का दे रहे हो? 100 के 4 है क्या ये? फिर तो ठीक है, पीछे बहुत 100 रुपये का एक दे रहा था यार, ये 100 के 4 दे रहे हैं, तो इनके रेट ठीक ठाक है, ठीक है। हाँ जी सुना दो भाई, कॉमेडी ठीक है जी, हमें भी लाइक फॉलो करो। अच्छा आप क्या नाम है भाई? कॉमेडी ठीक है जी। भाई कॉमेडी ठीक है जी, चलो जी भैया को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। ये वाले कितने की है? 30 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएंगे सारे की चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए हो तो यहाँ पर आके देख के ले सकते हो आप लोग। बाकी मार्केट ऐसी कुछ लगी हुई होती है, मैं आपको और दिखा देता हूँ आगे की साइड में ले चल के, और दिखा
कैसी कैसी सामान हमें यहाँ पे मिलने वाला है। देखो दिवाली डेकोरेशन का जितना भी सामान चाहिए होगा ना, आपको सारा का सारा इस मार्केट के अंदर मिल जाता है चीप एंड बेस्ट प्राइसेस के अंदर, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो आ सकते हो लाजपत राय की मार्केट। बाकी यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का भी काफ़ी अच्छा खासा हिसाब किताब होता है। लाइटिंग वगैरह परचेज करनी हो ना आपको दिवाली के लिए, तो ऐसी भाई बढ़िया बढ़िया आप लोगों को लाइटें भी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये सारा सामान चाहिए हो तो चीप एंड बेस्ट प्राइस में आके यहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो और लेके यूज़ कर सकते हो। देखो ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिवाली के मतलब घर में लगाओगे तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी आपकी आधी, ठीक है। आधी तो हो चुकी है, आधी और हो जाएगी। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग हमारी वीडियोस को कहाँ कहाँ से वॉच करते हो। बाकी मैं आपको और आगे की साइड में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसा सामान आप यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। इधर साइड में भीड़ भाड़ अच्छी खासी लगी हुई है और इधर भाई दिवाली का आपको काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बाकी तो भीड़ ज़्यादा है तो इनसे रेट पूछना बेकार है। सस्ता मतलब जहाँ पे खाली होगा वहाँ पता करेंगे रेट और बताएंगे आप लोगों को कैसे रेट हमें यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सामान देख लो आप लोग थोड़ा आगे ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे, आपको धीरे धीरे रेट वगैरह पता करेंगे और बताएंगे। लाइटों के भी रेट बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। इधर की साइड में आपको लाइटें देखो ऐसी बढ़िया बढ़िया लाइटें भाई के पास हमारे मिलेगी। बड़े भाई कितने की है लाइट वाली स्पेशल? 280। कितने फुट है? 150 फुट बता रहे हैं, 280 रुपये की, ठीक है। तो ऐसा भाई दिवाली का वगैरह के लिए आपको सामान चाहिए हो, लाइटें वगैरह चाहिए हो तो सारी की सारी इस मार्केट के अंदर आप लोगों को मिल जाती है। और भीड़ भाड़ तो अच्छी खासी लगी हुई होती है, जैसे जैसे दिवाली पास आती रहेगी वैसे वैसे भीड़ भरती रहेगी। अगर आपको भीड़ में चलने की आदत नहीं है तो आप लोग अपने घर पर रहो और हमारी वीडियो को देखते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। बाकी मैं यहाँ पर क्या हो रहा है, लड़ाई हो गई, देखो देखो भाई हो गई लड़ाई। मार मत भाई, मार मत यार। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? लड़ाई बड़ाई मत करो यार। कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए यार। ओ भाई तो ज्यादा लड़ाई हो, ज्यादा हो भाई, ज्यादा हो। मैं थोड़ा क्या दिल काट दूंगा बहन, डबल बैटरी कर दूंगा अभी। चलो भाई होती रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा कट मार देना जहाँ जरूरत पड़ेगी। भीड़ अच्छी खासी लगी हुई है इधर की साइड में, ठीक है। ये देखो भाई लटकाने वाला लेके घूम रहे हैं, बढ़िया। ये पानी वाले दिए कितने के मेरे भाई? कितने पीस है इसमें? एक डब्बे में 6 पीस है भाई। ऐसे देखो पानी से जलता हुआ दिया मिलने वाला आपको 50 रुपये में डब्बा 6 पीस का, ठीक है। तो ऐसे भाई के पास आ सकते हो, हमारे छोटे भाई ने लगा रखी है, और इनसे आगे आप लोग ऐसी चीज़ें बढ़िया बढ़िया परचेज कर सकते हो, लेके यूज़ कर सकते हो, ज़िंदगी एकदम सफल हो जाएगी, है ना भाई? हो जाएगी ना सफल, ठीक है। तो सफल करवा देगा ज़िंदगी भाई। ऐसे भाई आपको सजावट का सामान चाहिए हो ना, सारा का सारा इस मार्केट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। दिवाली के लिए कैंडल वगैरह ले लूँगी ना अंकल जी के पास मिलेगी। अंकल जी कितने दे रहे हो? पूरा पत्ता भाई, पूरा पैकेट आपको 50 रुपीज़ में मिलने वाला है बिंदियों को, सॉरी मोमबत्ती का, ठीक है। तो ऐसे ये भी 50, ये भी आपको 50 रुपये मिल जाएगा। तो ऐसे भाई अच्छी खासी आपको मोमबत्तियाँ मिल जाती है, ये सारा सामान मिल जाएगा आपको लगाने के लिए घर में सजाने के लिए। दिए ये वाला अंकल, ये आपको 70 रुपये मिलने वाला है। तो ऐसे भाई काफ़ी अच्छा खासा सामान आप लोगों को मिल जाता है दिवाली डेकोरेशन का। मूर्तियाँ लेनी हो ऐसी भाई, मूर्ति आपको बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है। इनके जो रेट होते हैं वो तो अलग ही अलग होते हैं, हमें बाकी एक बार पता कर लेते हैं भाई, अगर टाइम होगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर हम आगे चले जाएंगे। बड़े भाई क्या रेट है मूर्तियों के? अच्छा अलग अलग रेट के, कितने से शुरू अंकल जी? अच्छा 100 रुपये से लेके भाई 500-600 रुपये तक की मूर्ति आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाली है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी और वैरायटी की चीज़ें होने वाली है। बाकी मैं आपको और दिखा देता हूँ एक बार, भीड़ भाड़ अच्छी खासी तो लगी हुई होती है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बता ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये लगाने हो ना दरवाजे के घर के गेट पर लगते हैं जो। बड़े भाई कितने का दे रहे हो? 50 का पीस है क्या भाई? 50 रुपये का पीस मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है। और मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से तो भाई महंगा मिल रहा है अभी, क्यों? क्योंकि सदर बाज़ार बंद चल रहा है तो यहाँ पे आ रहे हैं लोग और यहाँ पे रेट काफ़ी इन्होंने हाई फाई कर रखे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही रेट मुझे इस टाइम पे भाई, थोड़े से महंगे लग रहे हैं। तो अगर आपको अपने घर के आसपास में अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही हो तो आप लोग वहाँ से परचेज कर लो। बाकी मैं आप लोग मार्केट की जानकारी दे रहा हूँ कि मार्केट में क्या कुछ चीज़ें चल रही है जो बिक रही है, और बता रहा हूँ भाई, ठीक है। बेकार में इतनी ज़्यादा भीड़ में मत आओ, अगर आपके आसपास में सस्ता सामान मिल रहा है तो वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो, मैं तो यही आप लोगों को सजेशन दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। ये देखो 150 रुपये में 10 दे रहा है, 80 के 5 दे रहा है ना, तो ऐसा भाई सामान आपको मिल जाता है। यहाँ पे माला वगैरह अच्छी हो तो ऐसी माला वाला भी मिल जाएगी, और भी भाई काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सामान इस मार्केट के अंदर देखने को मिलता रहता है। अगर आपको चाहिए हो, लेना हो, यूज़ करना हो मस्त ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, तो आके देख के ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो ऐसी ऐसी चीज़ों को, और भाई क्या बोलते हैं दिवाली अपनी बढ़िया बना सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको और दिखा देता हूँ एक बार, ये और क्या मिलेगा यहाँ पे देख लो आप लोगों को। ये शुभ लाभ जो होता है ना दिवाली पे, जो सबसे ज़्यादा जरूरी सामान होता है वो ये सारा भाई के पास हमारे मिलने वाला है।
अगर आपको लेना हो तो इनके पास आ सकते हो। बड़े भाई कितने का दे रहे हो ये? 50 रुपये का, 50 रुपये का दे देंगे भाई सिंगल पीस अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, तो ऐसा भाई काफ़ी अच्छा खासा सामान मिल जाता है। हाँ भैया, भैया मिले हमारे, क्या ले भैया? बढ़िया। कहाँ से आ रहे हो? हम आए हरियाणा से। हरियाणा से आए हो, मार्केट घूमने आए हो? अभी तो बहुत महंगी हो रखी है मार्केट, कैसा लग रहा है? बाकी रेट वेट कैसे लगे? बहुत महंगी है, महंगी हो गई है ना। पिछले साल बहुत सस्ती थी, पता क्यों है महंगी है? क्योंकि सदर बाजार बंद पड़ा हुआ है इस टाइम पे, वहाँ पे पटरी लगती थी ना, वहाँ सबसे सस्ता मिलता था, इस टाइम पे बंद है तो यहाँ पे महंगा, सारे लोग यहीं आ रहे हैं, इस चक्कर में महंगा हो रखा है सामान। ठीक है, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ लोगों को कि आपके घर के पास अगर सस्ता मिल रहा तो वहीं से ले लो, बेकार है दूर आना, है ना भैया? हरियाणा से आए हैं बताओ तो, बाकी मार्केट घूमो भैया, कोई नहीं। ठीक है भाई, ऐसे देखो ये सारी झालर वालर महंगी महंगी यहाँ पे सस्ते रेटों में मिल जाती है आप लोगों को, अगर आपको लेनी हो तो आ सकते हो यहाँ पर, देख लो आप लोग। कितने की भाई? 150 का दो है, 150 रुपये की दो है भाई, ये तो बता रहे हैं। अच्छा, बाकी यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है सजावट का सामान अगर आपको लेना हो तो। ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूँ कैसी ये चीज़ें हमें पे मिलने वाली है। भीड़ भाड़ अच्छी खासी इस मार्केट के अंदर लगी होती है। ठीक है, और क्या होता है यार, फिलहाल तो भीड़ है, अगर गाड़ी से नहीं आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों। तो भाई यहाँ पे देखो आपको काफ़ी अच्छा खासा इस तरीके से सामान मिलने वाला है, पूरा का पूरा सजावट का, अगर आपको लेना हो तो यहाँ पे आ सकते हो भाई, मर्जी है बाकी आपकी, कोई जोर जबरदस्ती किसी भी प्रकार की नहीं है। मार्केट दिखा देते हैं, चीज़ें दिखा देते हैं कैसी कैसी मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, देख लो आप लोग, पूरी की पूरी मार्केट प्रॉपर इसी तरीके से लगी हुई होती है, और सजावट का भाई काफ़ी अच्छा खासा सामान मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो इस मार्केट के अंदर आ जाओ, अगर मिल रहा है घर के पास तो वहीं से ले लो और सजा लो यार। ठीक है, अगर सस्ता लग रहा हो मेरे, अब पहले रेट कंपेयर कर लेना यहाँ की मार्केट में और अपने घर के आसपास की मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर समझ में आए तो लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आने वाली कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, बाकी यही थी आज की वीडियो भाई, काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो होती है। क्या कह रहे हो भैया? 50 के? 3 है। 50 पीछे बंदा 50 का एक दे रहा था, तुम 3 दे रहे हो, पक्की बात है, देख लो। तो भाई भैया के पास 50 के 3 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सस्ता भाई सामान मिल जाता है, कहीं कोई दुकान वाले महंगा देते हैं, कोई सस्ता देते हैं, भैया सस्ता दे रहे हैं, इनके पास मिल जाएंगे आपको ऐसे 50 रुपये में 3 पीस। ठीक है, तो अगर आपको लेना हो तो भैया के पास आ सकते हो और ऐसे भाई चीज़ें आप लोग बढ़िया बढ़िया ले सकते हो। ठीक है, बाकी यही थी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, रेट वगैरह कैसे लगे इस मार्केट के आप लोग ये चीज़ भी बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो वीडियो खत्म करते हैं, अगर वीडियो देख के मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी ये वीडियो अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो यहाँ पर फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के डेली लेके आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।